को एंड तक जरूर देखिए एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। आई एम एक्साइटेड और ये है हमारा बिग बिग बिग। मैंने इससे पहले कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई। ये प्रोडक्ट एक डिफरेंट है, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह के प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट है एक QLED 55 इंच QLED और ये ब्रांड है TCL। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैं इसके एंड में आपको बताऊंगा कि मैंने TCL ही की QLED क्यों चूज़ की, Why I prefer TCL over other brands। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ और वो सरप्राइज है, दिस इज गिफ्ट हैम्पर दैट आई रिसीव फ्रॉम TCL। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिस्टर स्लिंगशॉट योर होस्ट और आज मैं एक डिफरेंट किस्म की वीडियो लाया हूँ। मैंने इससे पहले कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई। ये प्रोडक्ट एक डिफरेंट है, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह के प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर यू गोना लव इट, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक। ओके दोस्तों, तो प्रोडक्ट क्या है, आई एम श्योर आप लोग एक्साइटेड हैं। ये प्रोडक्ट है एक QLED 55 इंच QLED और ये ब्रांड है TCL। मैं इस वीडियो के एंड में, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मैं इसके एंड में आपको बताऊंगा कि मैंने TCL ही की QLED क्यों चूज़ की, Why I prefer TCL over other brands, और by the way, very important, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ और वो सरप्राइज है कोई और नहीं बल्कि ये। दिस इज सरप्राइज, दिस इज गिफ्ट हैम्पर दैट आई रिसीव फ्रॉम TCL और इसको देखते हैं कि इसमें क्या है, इस वीडियो के एंड में देखेंगे। और बल्कि इस वीडियो के एंड में मैं एक लिंक दूंगा, तो हम वहां से इसकी एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, तो हम आप उसको भी देख सकते हैं। तो जस्ट इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। आई एम एक्साइटेड और ये है हमारा बिग 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 55 इंच QLED, तो ये देखिए। दोस्तों ये है 4K TCL QLED Android TV। इसके अंदर क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी है, हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल है, डॉल्बी विजन एटमॉस है, HDR है, स्मार्ट HDR, गूगल प्ले है, गूगल असिस्टेंस है और नेटफ्लिक्स है। इसकी वारंटी भी है, 3 साल की इसकी वारंटी है और ये 55 इंच का QLED है। इसके अंदर क्वांटम डॉट है, क्वांटम डॉट का मतलब होता है कि इसका जो स्क्रीन है वो बहुत ही ट्रू कलर्स होते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक इमेज आपको दिखाता है। फिर इसके अंदर आता है हमारे पास हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल होता है कि आपके रिमोट कंट्रोल के अंदर एक माइक्रोफोन होता है, तो जब आप इसके आपने कुछ भी कंट्रोल करना है तो आप इसका हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल ऑन कर दें, तो आप माइक के अंदर रिमोट के अंदर जो भी आप बोलेंगे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं, मूवी को प्ले पॉज कर सकते हैं। और इसके अंदर डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस है। डॉल्बी विजन होता है कि ये सिमिलर टू क्वांटम डॉट, यानी कि डिस्प्ले ये आपको बहुत ही ट्रू कलर और अच्छे कलर देता है और बहुत ही रियलिस्टिक कलर, हाई कंट्रास्ट के साथ और हाई सेचुरेशन के साथ बहुत ही खूबसूरत आपको कलर देता है। डॉल्बी एटमॉस होता है कि ये आपको एक 3D साउंड देता है, एग्जैक्टली जिस तरह आपको एक सिनेमा हॉल में बैठ के जो फील आती है उस तरह की फील आपको आएगी। उसके अलावा इसके अंदर HDR है, स्मार्ट HDR ये करता है कि वो आपको आपकी जो क्वालिटी है पिक्चर को उसको इन्हेंस करता है और आपको मैक्सिमम कोशिश करता है स्मार्टली डायनामिकली वो आपकी जो स्क्रीन, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है और उसको मैक्सिमम कोशिश करता है कि वो आपको ट्रू कलर्स दिखाए और आपको अच्छे तरीके से वो पिक्चर दिखा सके। फिर इसके अंदर गूगल प्ले है। गूगल प्ले दोस्तों सिंपल एज दैट, आप उसको सिंपली उसके अंदर मुख्तलिफ ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, इट्स एग्जैक्टली लाइक योर फ़ोन, जिस तरह आप अपने फ़ोन में करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह। इसके अलावा नेटफ्लिक्स का और यूट्यूब का इसके अंदर बिल्ट इन बटन है, तो आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स और यूट्यूब इसमें चला सकते हैं। तो दोस्तों ये है इस टीवी की चंद खास बातें।
ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी TCL की QLED। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने TCL ही को क्यों पसंद किया, क्यों चूज़ किया ओवर अदर ब्रांड्स। बिकॉज जब मैंने कुछ बड़े ब्रांड्स TCL, बाय द वे गाइस, TCL itself has become a big brand now। ये US में भी बहुत बिकता है, ये जापान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बहुत ही फेमस ब्रांड बन चुका है। अक्सर लोगों को अभी तक इनका नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका पता है। और आप अगर नेट पे जाएंगे और अपनी रिसर्च करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि TCL जो है वो कितने पॉपुलर ब्रांड है और कितना ज़बरदस्त ब्रांड है, और क्वालिटी टेक्नोलॉजी के लिहाज से दूसरे कई ब्रांड से किसी भी लिहाज से नीचे नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने अपनी पूरी रिसर्च की, आई फाउंड कि जो TCL है वो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है, और इनफैक्ट वो इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में और क्वालिटी की दौड़ में बाकी ब्रांड से किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये बाकी ब्रांड से हमें कम कीमत में मिल जाता है, बहुत ही कम और रीज़नेबल प्राइस में। ये आपको क्वालिटी उसी स्टैंडर्ड की दे रहा है जो दूसरे ब्रांड्स दे रहे हैं, और ये आपको आफ्टर सर्विस भी उसी लेवल की दे रहा है, बल्कि उनसे भी अच्छी दे रहा है। इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, इनकी दुनिया के कई मुल्कों में, कई शहरों में इनकी जो सर्विस सेंटर्स हैं वो अवेलेबल हैं, और इनके पार्ट्स इजीली और रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल हैं। और आपको इसकी आफ्टर सर्विस जो मेंटेनेंस होती है, कोई चीज़ ख़राब हो जाए उसमें भी आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये एक और प्लस पॉइंट था। मैंने इससे पहले दूसरे ब्रांड्स की LEDs रखी हैं, और यकीन माने मुझे हमेशा से बहुत ही इशू रहा है, जब भी कोई प्रॉब्लम अगर कभी आया यू हैव टू पे बिग मनी। तो ये जो चीज़ है ये मुझे सख्त नापसंद थी, तो इस वजह से मैंने इस बार TCL को ट्राई किया, और आई एम श्योर आई एम गोइंग टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस। मैंने तो QLED देखी, आप लोगों ने भी देखा, रिज़ल्ट वाकई में शानदार है, ज़बरदस्त है। और इसका QLED का रिज़ल्ट दूसरे ब्रांड्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि बिग ब्रांड्स हैं, किसी भी लिहाज से उनसे कम नहीं है। मैंने इनको साथ साथ देखा है, रख के साथ साथ चला के देखा है, और किसी लिहाज से कम नहीं है। सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उनकी भी यही टेक्नोलॉजी है, इनकी भी यही टेक्नोलॉजी है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा डिज़ाइंस के लिहाज से भी ये इनका बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है। डिज़ाइन के लिहाज से भी मैंने कंपेयर किया दूसरे ब्रांड्स के साथ, तो डिज़ाइन में भी मुझे कोई कमी नहीं नज़र आई। ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के डिज़ाइंस हैं इनके। और दोस्तों, TCL की जो वैल्यू है आज, वो ऑलमोस्ट आपको पता है कैसी है, जिस तरह हवावे कंपनी के जो मोबाइल्स आए थे शुरू शुरू में वो डाउन जा रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पीक पकड़ी और वो बहुत ही बड़ा ब्रांड बन गया, और US की मार्केट उन्होंने काफ़ी हद तक कैप्चर कर ली थी। वो तो उनको एक एंड्रॉयड और गूगल के साथ उनके कुछ इश्यूज हुए, अदरवाइज ट्रस्ट मी गाइस, सैमसंग की जगह आज आपको हवावे नज़र आता। सैमसंग कब का पीछे रह गया था, और हवावे जिस स्पीड से आगे आ रहा था, वरना आज सिर्फ हवावे और एप्पल का मुकाबला होना था, सैमसंग बहुत पीछे रह गया होता, बल्कि सैमसंग को इन्होंने ऑलमोस्ट कट कर लिया था। आज से अगर हम 3-4 साल पीछे चले जाएं, तो कम से कम 3 साल और 4 साल, तो हवावे ने सैमसंग को नेक टू नेक कंपटीशन दिया था, राइट। यहाँ तक कि हवावे जो है वो एप्पल के भी करीब पहुँच गया था, और उसकी सेल बहुत ही अच्छी हो रही थी, और हवावे ब्रांड इतना कामयाब, इतना सक्सेसफुल हो गया था कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आज हवावे का कोई इशू ना होता गूगल के साथ, एंड्रॉयड के साथ, तो ट्रस्ट मी गाइस, आज सैमसंग बहुत पीछे रह गया होता, और उसकी जगह पे आज हवावे होता। दुनिया में सिर्फ दो ही बिग ब्रांड्स होते, एक एप्पल और एक हवावे। तो TCL की भी एग्जांपल कुछ इसी तरह है। अगर आप US चैनल्स पे जाएं और वहाँ पे आप जाके कुछ US की टेक्नोलॉजी और चैनल्स के आप रिव्यूज़ देखें, तो कुछ US के अपने लोग TCL की LED की और QLED की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। सेकेंडली, और एक और रीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट, QLED जो है वो इस वक्त टॉप मोस्ट वेरिएंट है हर ब्रांड में, ठीक है। पाकिस्तान में सिर्फ TCL,
LG और Samsung ने ही QLED लॉन्च किया. आई एम नॉट श्योर अबाउट Sony, मे बी Sony ने भी, यस आई थिंक Sony ने भी QLED लॉन्च किया है पाकिस्तान में. और इस QLED से जो ऊपर वेरिएंट है दैट इज़ OLED, ठीक है. OLED जो है OLED वो इससे ऊपर का वेरिएंट है, वो पाकिस्तान में अभी इतना इन नहीं है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव है फिलहाल. जिस तरह QLED भी जब शुरू शुरू में आया था तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, ठीक है. मतलब कि नॉर्मल LED से, यानी कि पहले एक नॉर्मल UHDs होती थी, UHD के बाद आई हमारे पास 4K आई, फिर 5K 8K आई, फिर हमारे पास QLED आ गई. अब QLED के अंदर 4K आ रहा है, ठीक है. अब QLED के बाद OLED आ गया, OLED के अंदर हमारे पास 8K तक भी है. तो दोस्तों ये एक आपके ऊपर है. मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो QLED 4K इज़ गुड इनफ. अगर आपके पास हाई स्पीड का इंटरनेट है, आपके पास वीडियोस है 4K या 8K, तो आप अपनी 4K QLED पे उनको इंजॉय कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत ही रियलिस्टिक व्यू आपको देंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा. तो दोस्तों ये था मेरा आज का रिव्यू. हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब बात रह जाती है हमारे पास TCL के गिफ्ट हैम्पर जो मुझे मिला. हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसी वीडियो में इसको कवर करूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है. तो लेट्स डू इट इन नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो मैं इस वीडियो के साथ ही लॉन्च कर दूंगा, बल्कि मैंने कर दी है ऑलमोस्ट. अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं वो वीडियो भी लॉन्च कर चुका हूँ. तो यहाँ टॉप कॉर्नर पर एक लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए और आप इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं कि इस गिफ्ट हैम्पर में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है. सो कीप वॉचिंग दिस, क्लिक ओवर देयर, वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. एंड बाय द वे, डू सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर यू डू एनीथिंग. मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ठीक है. और मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे बेल का आइकन जरूर दबाएं, ठीक है. तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक. Just don't go anywhere, just stay tuned, keep watching, and I will be right back.